आज हम लोग प्रश्नावली 3.3 का जो शेष प्रश्न रह गया है उसे हम करेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 23 रह गया था, तो इसके अंतर्गत देखिए यहाँ लिखा है 10-4 और हमको इस तरह ये सिद्ध करना है। तो देखिए हमने अभी तक ये 4x मतलब 4x वाले फॉर्मूले नहीं पढ़े थे, ठीक ना। हमने केवल 10x का पढ़ा है, 10-2x का, 10-3x का। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, पहले देखिए ये लिख सकते हैं हम x प्लस 3x, है ना। इसको तोड़ सकते हैं, 10x प्लस वाई का जो सूत्र लिखा था हमने। तो देखिए यहाँ हमने लिख देते हैं हम यहाँ पर 10x प्लस वाई बराबर 10x प्लस 10y बटे 1 माइनस 10x 10y, ठीक ना। ये हमने पढ़ा था, इस पर हम इसको ओपन कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 10x प्लस 10y बटे 1 माइनस 10x 10y, ठीक ना। तो 10 3x हो गया। अब देखिए अब हम 10 3x के हम सूत्र रख सकते हैं। तो देखिए 10 3x का क्या सूत्र होता है, तो 10 3x इक्वल टू 3 10x माइनस 10 3x बटे 1 माइनस 3 10 2x, ठीक ना। तो ये सूत्र होता है। अब हम 10 3x के स्थान पर इसको हम रखेंगे। तो देखिए इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं यहाँ से, ठीक ना। यहाँ लिख लेते हैं 10, देखिए ये क्या हो जाएगा, ये 4x ही रहेगा बराबर। अब हम यहाँ पर रख देंगे, मान रखेंगे 10x प्लस 10 3x का मान जो होता है इसको हम रख देंगे यहाँ। तो यहाँ रखेंगे 3 10 10x माइनस 10 3x बटे 1 माइनस 3 10 2x, ठीक ना। इसके स्थान पर रख दिए बटे, तो ये बटा ये रहा 10 4x। यहाँ लिखेंगे 1 माइनस 10x और 3x का मान यहाँ रख देते हैं, लिखेंगे 3 10x माइनस 10 3x बटे 1 माइनस 3 10 2x, ठीक ना। इसको अब हल कर लेंगे, इसका गुणा देखिए इसमें कर लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे। तो देखिए इसका गुणा इसमें हो जाएगा 10x माइनस ये हो जाएगा 3 10x 10 2x प्लस 3 10x माइनस 10 3x बटे, फिर इनका भी गुणा कर लेंगे तो देखिए हो जाएगा 1 माइनस, ये बटे में ये रह जाएगा, ठीक ना। बटे में लिख देते हैं इसको 1 माइनस 3 10 2x, ठीक ना। और ये मेन बटा है ये वाला 10 4x जो लिख रहे हैं, इसका इनटू इसमें करेंगे तो जाएगा 1 माइनस 3 10 2x माइनस, अब इसका अंदर गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 10 2x और ये माइनस माइनस 2 प्लस हो जाएगा तो जगह 10 4x, ठीक ना। ठीक है, इसका इनका एक में गुणा किया ये आ गया पूरा, और इसका अंदर भी गुणा भी करते चले हैं, दो माइनस मिलकर यहाँ प्लस हो गया है बटे 1 माइनस 3 10 2x। तो देखिए इसके बटे में भी ये है, इसके बटे में है, तो ये तो कैंसिल हो गया। और देखिए जो हल हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हमको थोड़ा ज़रूरत है इसलिए हम इसको मिटा दे रहे हैं। तो अब देखिए इसमें हो जाएगा 10x ये हो गया, ठीक ना। 3 और 1 ये हो जाएगा 4 10x, ठीक ना। और इसका हो जाएगा देखिए ये गुणा करेंगे तो क्यूब हो जाएगा, ठीक ना। तो क्यूब हो गया, यहीं पर हमको लिख देना चाहता, ठीक ना। स्क्वायर है और एक 10x है, तो ये जगह 10 3x हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ चलिए यहीं लिख देते हैं, माइनस 3 10 3x और माइनस 10 3x,
क्यूब एक्स बटे ये हो जाएगा देखिए वन, तो ये वन लिखा है वन माइनस माइनस देखेंगे स्क्वायर और स्क्वायर है तो तीन तीन छः माइनस छः टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन फोर एक्स, ठीक ना। तो इस प्रकार टेन फोर एक्स बराबर देखिए ये हो जाएगा फोर टेन एक्स माइनस ये देखिए ये हो जाएगा तीन और एक चार और क्यूब एक्स बटे वन माइनस सिक्स टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन के पावर फोर एक्स, ठीक ना। इसमें अब हम फोर टेन एक्स कॉमन ले लेते हैं, फोर टेन एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बचा बटे में वन माइनस सिक्स टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन फोर एक्स, ठीक ना। तो देखिए ये अपना आ गया, ब्रैकेट नहीं लगाया, नहीं लगाते हम लोग यहाँ पर भी, ठीक ना। तो हम लेके चले थे, ये फॉर्मूला होता है यहीं से लेके चले थे, ये हल है। तो देखिए हमको पूरा टेन फोर एक्स बराबर देखिए पूरा चीज़ मिल गया हमको, तो इस प्रकार ये सिद्ध हो गया, ठीक ना। तो प्रश्न नंबर 23 हल हो गया। अब प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 24 है, इसमें लिखा है कॉस फोर एक्स बराबर वन माइनस एट साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखिए इसको हम पहले लिखेंगे बायां पक्ष, बायां पक्ष में है कॉस फोर एक्स, तो इस कॉस फोर एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस टू टू एक्स, है ना, इस थीटा का डबल टू इंटू टू एक्स। अब देखिए हमको कॉस टू एक्स का फॉर्मूला मालूम है, कॉस टू एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक ना। एक ये प्राप्त होता है, एक होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, एक होता है टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस एक, ठीक ना। तो हम ये वाला सूत्र लगा लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, कॉस टू एक्स है, अगर टू एक्स है तो यहाँ पर एक्स आता है, मतलब इसका आधा आता है, ठीक ना। मतलब टू और ये पूरा एक्स मान लेंगे तो हम ये पूरा लिखेंगे टू एक्स, ये पूरा थीटा मान लिया तो अब लिखेंगे हम यहाँ पर वन माइनस टू साइन स्क्वायर टू एक्स, ठीक ना। मतलब ये कह लीजिए फोर एक्स है तो आधा हो गया टू एक्स हो गया, फिर इसको हम लिख सकते हैं वन माइनस टू साइन टू एक्स के घात दो लगा लिया ऐसे। फिर हम जानते हैं साइन टू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन टू एक्स बराबर टू साइन एक्स कॉस एक्स, ये होता है तो यहाँ रख देते हैं इसमें वन माइनस टू और ये होगा टू साइन एक्स कॉस एक्स का घात दो, तो ये हो गया कॉस फोर एक्स का लिखते हैं, है ना, फोर एक्स को लेके चले हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे या तो यहीं पे फोर एक्स लिख लें, इसके बाद इसको हमने ऐसे किया, ठीक ना। फिर देखिए इसमें वन माइनस टू इसको हल करेंगे तो दो का वर्ग ये चार हो गया, ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स और ये कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए वन माइनस चार दूनी आठ साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखिए ये हमारा बायां पक्ष लेके चले थे और हमारा दायां पक्ष आ गया। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 24 भी हल हो गया। अब प्रश्न नंबर 25 अंतिम क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 25 में है, तो इसके बाएं पक्ष में ये लिखा है, दाएं पक्ष में ये लिखा हुआ है, ठीक ना। तो हमको बायां पक्ष लेके चलेंगे, तो लिखते हैं हम लोग बायां पक्ष, बायां पक्ष, ठीक ना। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए कॉस सिक्स एक्स लिखा हुआ है तो इसको हम लिखेंगे कॉस दो गुणे थ्री एक्स, ठीक ना। तो कॉस टू एक्स का फॉर्मूला आपको देखिए मालूम है, अभी हम इसके पहले क्वेश्चन में भी देखे थे, तो ये होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स या टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस एक, ठीक ना। तो अब देखिए हमको दाएं पक्ष में सब जो है कॉस कॉस चाहिए, ठीक ना। तो हम ये वाला सूत्र लगा लेंगे, तो देखिए क्या होगा, ये टू एक्स है तो ये एक्स है, तो ये हो जाएगा सिक्स एक्स है तो इसका हाफ थ्री एक्स हो जाएगा या टू थीटा, तो केवल थीटा लिखा है, जैसे टू थीटा है तो यहाँ पर केवल थीटा लिखा हुआ है, टू थीटा है तो यहाँ इसको हम लिखेंगे। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, टू कॉस स्क्वायर
3x माइनस वन, ठीक ना, या तो 6 का आधा 3 ही हो गया, ठीक ना, आधा हो जाता है उसमें। अब हमको cos 3x का फॉर्मूला लिख देंगे यहाँ पर, तो देखिए cos 3x के घात 2 लगा लेते हैं, ठीक ना, यहाँ लगाइए चाहे पूरा ब्रैकेट डाल के ऊपर लगाइए, तो cos 3x का सूत्र लिख लेते हैं, तो देखिए cos 3x बराबर 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos एक्स, ठीक ना, ये सूत्र होता है, तो इसको यहाँ रख लेते हैं हम, तो जगह 2 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, खोल लेते हैं इसको, तो लिखेंगे देखिए a स्क्वायर, तो 4 cos क्यूब एक्स इसका स्क्वायर प्लस 3 cos एक्स का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और माइनस है तो माइनस 2xy, तो ये जगह 2 गुणे 4 cos क्यूब एक्स माइनस इसी में है गुणे में है 3 cos एक्स, ठीक ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2, ये पूरा एक्स ये पूरा वाई, फिर इसके बाद माइनस 1 है तो लिख लिया इसको, इसको अब हल कर लेते हैं। 2 देखिए 4 का वर्ग 16 और cos 3 का हो गया 6x प्लस 3 रिकाई 9 cos स्क्वायर एक्स, ये हो गया 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, और ये जाएगा cos 3 है और ये 4 हो जाएगा cos 4x माइनस 1 और 3 एक 4, ठीक ना, तो ये हो गया। अभी दो भी कोष्टक हल कर लेते हैं, तो 16 दूनी 32 cos 6x प्लस 9 दूनी 18 cos स्क्वायर एक्स और 24 दूनी 48 cos 4x माइनस 1, 32 और 9 दूनी 18 और ये 48, ठीक ना, ये आगे पीछे लिखा हुआ है, हम लिख देते हैं इसको, तो इस प्रकार हो जाएगा 32 cos 6x, इसको हम पहले लिख लेते हैं, 48 cos 4x प्लस 18 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, देखिए हो गया, घटती घात में लिखा हुआ है 6 घात 4 घात 2 घात, इस प्रकार इसको लिखा हुआ है, तो ये हमको मिल गया दायां पक्ष, तो लिखेंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष इति सिद्धम। तो इस प्रकार प्रश्नावली 3.3 समाप्त हो गई, अब हम आगे प्रश्नावली 3.4 देखेंगे।